नई संसद पर विपक्ष की राजनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो लोग नई संसद को लेकर ओछी सियासत कर रहे हैं, 24 में उन्हें जनता जवाब देगी। 20-30 वर्ष से चल रहा था नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले पाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेके एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सर, विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है, आरजेडी इसकी ताबूत से तुलना कर रही है, कोई कह रहा है कि शहंशाह ने जैसे मुमताज को दफनाया था वैसे संविधान को दफनाया जा रहा है, जयराम रमेश अलग तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो संगोली के बारे में भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, लोग उनको ठीक तरह से उत्तर देंगे। आरजेडी ने जो ताबूत से तुलना की है पार्लियामेंट के एक लोकतंत्र दौर भाई मंदिर को। जैसे आपने कहा, लोकतंत्र का मंदिर है और आज के जरूरत के आवश्यकता के अनुसार ये निर्माण हुआ है, लेकिन जिस मंदिर को ऐसे अपशब्दों से बात कर रहे, लोग उनको ठीक तरह से उत्तर देगा। नई संसद में बिहार में सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। पटना में आज जेडीयू नेताओं ने अपने पार्टी मुख्यालय पर धरना दिया। इस धरने में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ मार्च निकाला। ये मार्च बोरिंग रोड चौराहे से हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की प्रतिमा तक गया। कांग्रेस और जेडीयू दोनों पार्टियों के नेता आरजेडी के विवादित ट्वीट पर बोलने से बचते नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू ने आज पार्टी मुख्यालय पर धरना दिया है, आरोप लगा रही है जेडीयू। हालांकि जेडीयू ने भी जो ट्वीट किया है उसके बाद सवाल जेडीयू पर भी हैं, कलंक आखिर क्यों कहा, ये सवाल जेडीयू से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी इसे लोकतंत्र का अपमान बताया, कांग्रेस ने भी इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया और कांग्रेस ने भी आज पैदल मार्च किया है। तो वो तमाम विरोधी दल जो आज नए संसद भवन उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बने, आज वो तमाम विरोधी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सुबह से ही नए संसद भवन के उद्घाटन को गलत करार देने के लिए कभी धार्मिक एंगल दे रहे हैं, कभी इसे जातियों से जोड़ रहे हैं, तो कभी ताबूत से इसकी तुलना हो रही है, तो कभी इसे लोकतंत्र का अपमान बताया जा रहा है। वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की धज्जी उड़ा, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा, और दूसरा नया इतिहास लिखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एरा से निकल के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास देश के आदरणीय अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां पे होते हैं। बैठे भाई, आज देश में लोकतंत्र बचा है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? हम कई अखबार देख रहे हैं, तीन दिन चार दिन से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है। अरे भैया, लोकतंत्र की परिभाषा आपसे सीखने की जरूरत है हम लोग को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।